वेलकम टू हमारा वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। शुरुआत करते हैं अर्ली लाइफ से। इनका रियल नेम है दीपिका पादुकोण और निक नेम दीपी। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है और माँ का नाम उजाला पादुकोण। इनकी एक बहन है जिसका नाम अनिशा पादुकोण है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल से की है और इसके बाद की पढ़ाई इन्होंने माउथ केरमल कॉलेज से पूरी की और बीए की डिग्री के लिए उनका दाखिला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया। दीपिका प्रोफेशन से एक एक्टर, मॉडल और प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं इनकी करियर की। दीपिका के पिता एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे और उनकी माँ एक ट्रेवल एजेंट थी। पिता बैडमिंटन प्लेयर होने के कारण दीपिका को बचपन से ही बैडमिंटन ट्रेनिंग मिलने लगा और वो नेशनल भी खेली, लेकिन दीपिका को कभी भी बैडमिंटन में अपना फ्यूचर नहीं दिख रही थी। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे अलग रास्ता चुनना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने कॉलेज के ही टाइम से मॉडलिंग के तरफ लगाव था और वो कई बड़े शो में रेमो की, जहां वो बैकग्राउंड मॉडल के तौर पर मॉडलिंग की। दीपिका की लाइफ में चेंज तब आया जब वो किंगफिशर के कैलेंडर गर्ल के रूप में चुना गया, जिसके बाद उसे कई सारे टीवी एडवर्टाइजिंग करने का मौका मिला। Hi. Hey, where are you? Yeah, I'm leaving in 5 minutes. सेकेंड ब्रेक में इनको हिमेश रेशमिया के सॉन्ग नाम है तेरा से मिला, जिसके बाद उसे साउथ फिल्म से ऑफर आने लगे, जहां उनकी पहली फिल्म का नाम था ऐश्वर्या, जिसके बाद वो हिंदी फिल्मों में ऑडिशन देने लगी, जहां उन्हें ओम शांति ओम में काम करने का मौका मिला। इन्होंने बॉलीवुड मूवी में डेब्यू किया ओम शांति ओम मूवी से, जिसमें इनके अपोजिट शाहरुख खान थे और ये मूवी आते ही सुपरहिट रही। इस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड भी मिला। और फिर इसके बाद 2008 में इन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म बचना ये हसीनों में काम किया और 2009 में इन्होंने लगातार 4 मूवियों में काम किया, जिनके नाम है चांदनी चौक टू चाइना, बिल्लू, लव आजकल, मैं और मिस्टर खन्ना। दीपिका को सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उनकी मूवी आई 2012 में कॉकटेल, जिसमें इनके अपोजिट सैफ अली खान थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसके बाद एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गलियों की रासलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और पठान। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। दीपिका को बहुत सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड मिल चुके हैं। उनकी मूवी पीकू, ओम शांति ओम, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बदौलत दीपिका ने कई सारे कंपनियों के एडवर्टाइजिंग की है। Netflix, Amazon, Hotstar का सब्सक्रिप्शन मैं ले लूं, तुम जियो पोस्टपेड प्लस का सिम ले, शेयरिंग से प्यार बढ़ता है। बस करो वाली, सुनाई की क्या? बेबी, yes. ये रहा जियो का सिम, तुम्हारा OTT सब्सक्रिप्शन का है। इसके अंदर अब बात करते हैं इनके हस्बैंड के बारे में। तो इन्होंने 2018 में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से शादी की। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।